इनके विषय में एक बहुत प्रचलित घटना है कि एक गांव में एक चोर घूम रहा था। उसे जब कुछ भी चुराने को नहीं मिला तब उसने उस गांव में एक शिवालय देखा, भगवान शिव का मंदिर देखा। और वह भगवान शिव के मंदिर में गया, उसने सोचा क्या चुराऊं, तो उसने देखा कि एक पीतल का बहुत बड़ा घंटा लटक रहा है। उसने कहा चलो कुछ नहीं मिला तो इस घंटे को ही आज चुराता हूं। लेकिन वो घंटा इतनी ऊंचाई पे बंधा था कि इसके हाथ ही नहीं पहुंच रहे थे। जब हाथ न पहुंचे तो इस चोर ने कहा तो एक ही उपाय है, जो भगवान शिव का शिवलिंग बना था, जो उनका पिंड बना था, उसी पे खड़ा होकर के घंटा खोलने लगा। और जैसे घंटा खोलने लगा भगवान शिव सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा वत्स मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। चोर भी चौंक पड़ा, नाम तो भोलेनाथ है लेकिन आप इतने भोले होंगे हमें भी विश्वास नहीं था, मैं तो चोरी करने आया था और आप करें वर मांगो, सच में आप इतने भोले हैं। भगवान शिव ने कहा वत्स बहुत लोग इस मंदिर में आते हैं, कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बिल्लो पत्र चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई मिष्ठान्न चढ़ाता है, तुम पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने अपने आप को ही चढ़ा दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। तो ये तो आशुतोष है। आशुतोष का मतलब जो जो तुरंत प्रसन्न हो जाए उसको कहते हैं आशुतोष, यह एक नाम है। भगवान शिव करुणा के अवतार हैं और भगवान शिव के इन संपूर्ण गुणों को व्याख्यायित करने वाला यह श्री शिव महापुराण है।